महाराणा प्रताप चौक बदायूं पर स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा की सुरक्षा की मांग को लेकर क्षेत्रीय महासभा बदायूं के कोर ग्रुप की एक आपात बैठक जिलाध्यक्ष राकेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विचार व्यक्त करते हुए महासभा के प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार सिंह ने कहा कि बरेली मंडल में महाराणा प्रताप की एकमात्र प्रतिमा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सबसे सुरक्षित स्थान पर स्थित है। प्रतिमा को क्षति पहुंचाने के लिए कई बार प्रयास किए जा चुके हैं, प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, किंतु प्रशासन उदासीन है। यदि प्रशासन इस प्रकरण को गंभीरता से नहीं लेता तो परिणाम गंभीर होंगे। क्षत्रिय महासभा बदायूं के जिलाध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि हमें आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। 2 दिसंबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन में जनपद भर से भारी संख्या में क्षत्रिय समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु महासभा के समस्त पदाधिकारी अभी से जुट जाएं। बैठक में प्रमुख रूप से विजयपाल सिंह भदौरिया, मनीष कुमार सिंह, राजपाल सिंह, विनय सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। तो क्षत्रिय समाज इस बात के लिए, क्षत्रिय महासभा इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम आंदोलन अवश्य करेंगे। यदि 2 तारीख तक उन्होंने इसको जो है हमारी प्रतिमा का जो स्थल है उसको क्षतिग्रस्त हुआ है, इसके लिए पुख्ता इंतजाम रखिए कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए।